नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि क्या एक्स पार्टनर वापस भी आता है या नहीं। दोस्तों अगर आपका ब्रेकअप हो गया है और आप इंटरनेट पे आए हो तो आपने कई सारे वीडियो देखे होंगे, कई सारी जगह आपने देखा होगा कि भैया एक्स को वापस लाने के लिए टेक्निक्स बताई जाती है। इवन मेरे चैनल पर भी मैंने काफ़ी सारे वीडियो बना रखे हैं कि एक्स को वापस कैसे लाएँ, एक्स को वापस लाने के लिए क्या करें, दुनिया भर की चीज़ें। तो आप ट्राई करते हो लेकिन आपका एक्स आता नहीं है, आप लगभग सब कुछ करके देख चुके हो अपने साइड से लेकिन एक्स सुनता नहीं है। तो ऐसे केस में आपके मन में एक कन्फ्यूजन आता है कि सच में एक्स वापस आता भी है कि नहीं आता, या सिर्फ सब कुछ कहने की बात है। क्योंकि आप वीडियो पे आने के बाद भी आप उसको अगर ठीक से फॉलो नहीं करते हो तो एक्स आपका वापस नहीं आता है, एक्स के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो भी आपको लगता है कि अब ये सब मेथड काम करता है या नहीं करता है, या फिर सब कुछ ऐसा ही पड़ा है दिलासा देने के लिए पड़ा है, या फिर हमारा केस अलग है इस वजह से हमारे वाले केस में एक्स वापस नहीं आएगा। हाँ आता होगा एक्स वापस लेकिन दूसरे केस में आता होगा, लेकिन हमारा केस थोड़ा सा डिफरेंट है इस वजह से नहीं आ रहा। इस तरीके की तमाम कन्फ्यूजन अगर आपके अंदर आती है तो मेरे दोस्त ये वीडियो आपके लिए ही होने वाला है। तो इस पूरे वीडियो में इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे और साथ में ये भी समझेंगे कि आखिर ब्रेकअप होता ही क्यों है। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखो मेरे दोस्त, अगर तुम्हारा कोई रिलेशनशिप था जिसमें तुम्हारा ब्रेकअप हो गया, तो ब्रेकअप हो जाने के बाद सबसे ज़्यादा तुम ट्राई करो, तुम हर तरीके से ट्राई करके देख लेते हो, हर तरीके से पीछे पड़ कर देख लेते हो, हर तरीके से आजमा के देख लेते हो अपने एक्स पार्टनर को, उसको प्यार से पुचकार के देखते हो, धमका के भी देखते हो, डरा के भी देखते हो, रिक्वेस्ट भी करके देखते हो, लेकिन कोई भी तरीका कोई भी हथकंडा तुम अपना लो, एक्स मानता नहीं है, एक्स एकदम निडर हो चुका होता है, उसको तुम चाहे जो धमकी दे दो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो एकदम कनेक्शन काट के बैठ जाता है तुमसे, ज़्यादा फ़ोन करते हो उठा के तुमको ब्लॉक कर देता है हर जगह से, तुम्हारी आवाज़ भी उसे नहीं सुननी होती है, और लड़ाई झगड़ा इस कदर बढ़ जाता है कि सारी सेल्फ रिस्पेक्ट, सारी म्यूचुअल रिस्पेक्ट सब खत्म हो जाती है, कुछ बचा नहीं रह जाता है, सिर्फ अगर फ़ोन उठता है तो सिर्फ बहस होती है, अंत में बहस में हारना तुमको ही पड़ता है। इन केस तुम आर्ग्यूमेंट जीतने भी लगते हो, तुम बहस में अपना पॉइंट रखने भी लगते हो, तुम जीतने भी लगते हो उससे, अगर वो इंसान आर्ग्यूमेंट हारने लगता है तो वो इंसान फ़ोन काट देता है, ठीक है, उसको कुछ नहीं पड़ी है तुमको कोई वजह देने की, उसको कुछ नहीं पड़ी है तुमको कुछ समझाने की, तो हर चीज़ तुम करके देख लेते हो, तुम्हारा माइंड एकदम मान चुका होता है भैया एक्स पार्टनर वापस नहीं आएगा। क्योंकि अभी तुमको एक बार तो मेरे दोस्त तुम्हें ये चीज़ रियलाइज़ करने लगता है कि तुम्हारा ब्रेकअप हो गया है, सेम पर्सन तुमसे ब्रेकअप कर रहा है, मतलब तुमने ये कभी चीज़ इमेजिन नहीं की थी। अब मैं तो अगर इस सवाल की बात करें कि एक्स वापस भी आता है कि नहीं आता है, तो ये तुम्हें भी लग नहीं रहा है एक्स वापस नहीं आता, जैसे कि रिलेशनशिप की शुरुआत में उनको लगा था कि इस इंसान से ब्रेकअप नहीं हो सकता, ये इंसान हमें कभी छोड़ के जा नहीं सकता क्योंकि इसने इतने बड़े बड़े वादे किए, और उसके साथ रहकर तुमको एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती थी कहीं ये इंसान हमको छोड़ के जा नहीं सकता। तो जैसे उस समय आप तुमको लगता था वो इंसान तुमको छोड़ के जा नहीं सकता, लेकिन अभी ब्रेकअप हो गया, सिचुएशन के हिसाब से सिचुएशन बदली, ब्रेकअप हो गया, तो वैसे ही एक्स पार्टनर वापस आ जाता है। अगर तुम्हारा सवाल यह है एक्स वापस आता है कि नहीं आता है, तो जी हाँ वापस आता है, वापस आ जाता है वो इंसान, लेकिन तुम्हें फिर से वही सिचुएशन चेंज करनी पड़ेगी। अब वो सिचुएशन क्या है मैं वीडियो के भी आगे में तुमको सारी चीज़ एक्सप्लेन करूँ, तो इस चीज़ को समझो। तो ब्रेकअप होता क्यों है, रीज़न क्या है, सेल्फ रिस्पेक्ट का खत्म हो जाना भाई। शुरुआत में तुम उसके लिए अवेलेबल नहीं रहते थे, शुरुआत में तुम नए थे उसके लिए, बातें शुरू होती थी, बातें लंबी लंबी होती थी क्योंकि अभी तुम दोनों एक दूसरे के लिए नए हो, और बात करके बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है जब तुम अपनी बातें बता रहे हो उसको, वो तुम्हें अपनी बातें बता रहा है, वो अपने घर की बातें बता रहा है, तुम अपने घर की बात बता रहे हो, तुम अपनी पर्सनल चीज़ें बता रहे हो, सामने वाला अपनी पर्सनल चीज़ें बता रहा है, तो दोनों लोग एक दूसरे को सब चीज़ शेयर कर रहे हो, तो तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा है, तुम बहुत स्पेशल फील हो रहा है, साथ में वो इंसान तुमसे प्यार का इजहार कर रहा है, तुम्हें स्पेशल फील करा रहा है, तो तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा है, तुमको बहुत बढ़िया फील हो रहा है, इसी वजह से तुम आज मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। अब क्या है, धीरे धीरे रिलेशनशिप पुराना होता जा रहा है, तुम एकदम सरेंडर होते जा रहे हो, तुम सारी सेल्फ रिस्पेक्ट खोते जा रहे हो, तुम ओवर अवेलेबल होते जा रहे हो, जिस वजह से वो इंसान तुमको हल्के में लेना उसने शुरू कर दिया, ठीक है। तो अब मेरे दोस्त वो इंसान तुमको हल्के में लेना शुरू कर दिया, अब यहाँ से सारी दिक्कतें तुमको शुरू हो रही है, अब तुम क्या है, तुम अटेंशन मांगने लगे हो, अब तुम उस इंसान से जितनी अटेंशन मांग रहे हो उतना उसका मूड खराब होता जा रहा है, उतना उसका मन तुमसे हटता जा रहा है, उतना उस इंसान का तुमसे दूर जाने का मन कर रहा है, ठीक है, क्योंकि तुम्हारे साथ रह के उसे किसी तरीके का चैलेंज नहीं फेस करना पड़ रहा है, क्योंकि जब वो इंसान तुमसे बात करना चाह रहा है तुमसे बात कर ले रहा है, जब वो इंसान तुमको जैसे चलाना चाह रहा है चला ले रहा है, लेकिन तुम ऐसा नहीं कर पा रहे हो। तो एक्स इस वजह से गया, तो अब आएगा कैसे, आएगा ठीक उसी तरीके से जैसे गया है, भैया तुमने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म की, चला गया, सेल्फ रिस्पेक्ट वापस ले आओगे वापस आ जाएगा। एक्स बैक काम करता है, डिपेंड करता है कि तुम कैसे अपने आप को सही करते हो, तुम अगर अपने आप को नहीं सही कर रहे हो, आशिक बन के घूम रहे हो, अगर ये सारी चीज़ें तुम कर रहे हो तो एक्स कभी वापस नहीं आने वाला, पीछे पड़ रहे हो, प्यार की दुहाई दे रहे हो, उसको चिल्ला रहे हो, उसको उसकी मुंह पे उसकी गलती बता रहे हो, तो इससे कुछ नहीं होने वाला है। देखो मेरे दोस्त, किसी से झगड़ा करके, ठीक है, किसी की गलती बता के तुम उसको उसकी गलती रियलाइज़ नहीं कर सकते,
ठीक है, उसको उल्टा बुरा ही लगे, और किसी से रिक्वेस्ट करके, किसी को फैक्ट बता के, किसी को डांट के, किसी को नीचा दिखा के तुमसे प्यार नहीं हासिल कर सकते। तो मेरे दोस्त, किसी की गलती बता के तुमसे प्यार हासिल नहीं कर सकते। तुम सोच रहे हो कि तुम उसको गलत साबित कर दोगे, अपने को सही साबित कर दोगे, उससे सारे जवाब मांग लोगे, उसको चारों खाने चित कर दोगे अपने फैक्ट से, अपनी बातों से, तो उसको प्यार जग जाएगा। नहीं मेरे दोस्त, प्यार नहीं आएगा उसको, वो इंसान अभी इरिटेट है। तुम कुछ मत करो, उसकी पहुँच से बाहर हो जाओ। तुम्हें तरह तरह के तुम्हारे मन में ख्याल आ रहे होंगे, तुम्हारी ये गलती है, तुम्हारी वो गलती है, इस वजह से इंसान गया है। नहीं मेरे दोस्त, इन सब में से तुम्हारी कोई गलती नहीं है, कोई मिस्टेक तुम्हारी नहीं है। तुम्हारी मिस्टेक सिर्फ इतनी है कि तुमने रिलेशनशिप चलाते चलाते खुद को खो दिया, तुमने खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट खो दी, खुद से कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, बस यही एक चीज़ गलत कर दी तुमने, वो भी जाने जाने में हुई है। तो इन सब चीज़ों को सही कर लो मेरे दोस्त, पहले के जैसे बन जाओ, रिलेशनशिप की शुरुआत में जैसे थे वैसे ही बन जाओ। सेल्फ रिस्पेक्ट तुम्हें हमेशा मेंटेन करके रखनी पड़ेगी, वो तुम्हारे रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़रूरी है। सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो जाएगी, तुम खुद ही चेंज हो जाओगे, और तुम चेंज हो जाओगे तो सामने वाले का इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, क्योंकि तुम अब वो इंसान नहीं हो जिससे उसने प्यार किया। तुम खुद ही देखो, तुम क्या पहले के जैसे हो? नहीं, अब तो तुम बहुत ज़्यादा इमोशनल रहते हो, बहुत ज़्यादा पजेसिव रहते हो, बहुत ज़्यादा नीडी रहते हो, अब तुम उसके बिना रह नहीं पा रहे हो। ये सारी चीज़ें मिल के सिर्फ तुम्हें नीचे कर रही हैं, और तुमने उसकी वैल्यू से उसको बहुत ज़्यादा अटेंशन दे दी। जितनी उसकी वैल्यू नहीं है, उसकी दुगनी तिगुनी तुमने उसको अटेंशन दे रखी है, इस वजह से उस इंसान का दिमाग और ज़्यादा ख़राब है। तो वापस आता है क्वेश्चन पे, तो ये भी एक्स पार्टनर वापस आता है कि सच में एक्स बैक काम करता है? तो जी हाँ, बिल्कुल काम करता है, लेकिन पूरा डिपेंड करता है तुम्हारे ऊपर, क्योंकि दुनिया में अगर कोई चाहे एक्स को वापस लाना तो वो मेरे दोस्त सिर्फ तुम ही हो, तुम्हारे अलावा कोई नहीं ला सकता। तो सिर्फ अपने ऊपर काम करना है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को गेन करना है, कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, इमोशनल स्टेबिलिटी ले आनी है। अगर ये तीनों चीज़ तुम्हारे अंदर है, तो सबसे पहले जो कोई री अट्रैक्ट होगा वो होगा तुम्हारा एक्स पार्टनर। तो उम्मीद करते दोस्तों को वीडियो समझ में आएगा। तो आज के वीडियो में सीखते रहिए।